डे विथ माय फादर, पापा के साथ एक दिन। ये बना है गेट है क्या भाई साहब? ओए हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? वापस से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी बज रहे सुबह के 6:30 और आज का जो मेरा दिन है वो पापा के साथ होने वाला है। तो पूरा दिन इन्हीं के साथ बिताएंगे और साथ में मैं पापा जा रहे हैं खेतों में दवाई डालने। देखो स्प्रेयर को पापा ने पीठ में लाद लिया है क्योंकि मैं तो बाइक चलाऊँगा ना, पापा को बाइक चलाना आता नहीं है। तो पीछे बैठेंगे, फिर चलो चलते जहाँ तक बाइक जा पाएगा, फिर वहाँ से पैदल चलेंगे। दवा ववा सब पकड़ लिए हो? सब हो गए? हाँ, होगा डब्बों में। चलो फिर निकलते हैं। तो भाई ऐसे रास्ते पे गाड़ी को लाया, मैं क्या बताऊँ, देखो रास्ता का था पता नहीं। और अभी जो नदी को पार करना है, इस नदी को अगर पानी थोड़ा कम रहता तो गाड़ी को भी इस पार से उस साइड ले जाता, से तो ज़्यादा गहरा नहीं लग रहा है। ये देख सकते हैं भाई साहब, पानी इधर से आ रहा है। तो चलो भाई नदी पार करके पहले निकल गए। भाई रास्ता देखो, रास्ता का तो पता ही नहीं है। फाइनली अपने खेत में पहुंच गए। ये देखिए, ये जो पीछे खेत देख पा रहे हैं ये है अपना खेत। चलो इस पेयर को निकाल ले रहा हूँ मैं, फिर दवा वगैरह मिलाते हैं, फिर काम स्टार्ट करते हैं जल्दी। गाइस चलो ये देख सकते हैं अपना जो सेटअप है वो रेडी है। अभी जो है देखो मुंह पे मास्क लगा रहे हैं, गमछा लपेट के जा रहा हूँ क्योंकि भाई कीटनाशक है, डेंजरस है। तो ऐसे इसको बांधता हूँ मैं जो है, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये गेट रेडी टू फाइट, चलो शुरू करते हैं। गाइस फिर तो मार के आ गया मैं। तो भाई साहब यहाँ से अब निकल रहे हैं, यहाँ का काम हो गया। अब यहाँ से जा रहे हैं हम 3 किलोमीटर दूर, और इधर एक साइड खेत है उस वाले में और डालना है। फाइनली गाड़ी के पास आ गए, गाड़ी जो है उस पार खड़ा है और फिर से इस नाले को क्रॉस करेंगे। पापा देखो जा रहे हैं, और चलो फिर यहाँ से निकलते हैं। तो भाई साहब उधर से फिर आगे इधर, यहाँ है एक खेत देख सकते हो, और इसको क्रॉस करके जाना है। दिखाओ इस पेयर को, मैं पकड़ ले रहा हूँ, छोड़ो आप ये दादा, ऐसा ठीक है। देखते हैं इधर, ये बना है गेट है क्या भाई साहब? ओए हाँ, फाइनली आ गया इस बार। तो भाई साहब ये देखो, यहाँ है एक कुआं छोटा सा, और ये मेरा स्प्रेयर को भी रख दिया ला के। चलो पानी कैसे निकालेंगे, पट गमछा से? आप अपना गमछा गीला करो पापा। मोर है वही मेरे, तो यही गीला कर बे। चल ठीक है, यही गीला कर भाई, कुआं से निकालेंगे भाई पानी। भाई साहब रस्सी नहीं है ना, तो जो गमछा लाए थे मुंह को ढकने के लिए, अब उसी से पानी को निकाल रहे हैं क्योंकि नीचे है और पानी की व्यवस्था नहीं है, डालना ज़रूरी है। ये भाई देखो, ऐसे जुगाड़ जुगाड़ से काम जो है चलाना पड़ता है, मतलब
इसको दिखाने का मेरा रीज़न यही है कि खेती में कितना मेहनत लगता है भाई साहब, देख रहे हो अनाज को उगाने में, फिर उसके बाद ये सब मेहनत करने के बाद जब इसका रिटर्न मिलता है उसको भी आने वाले टाइम पे आप लोग को पता चलेगा। मैं दिखाऊंगा कि साल भर जो किसान इतना मेहनत करता है उसके बाद उसको साल के अंत में जो रिज़ल्ट मिलता है वो कैसा रहता है इतना मेहनत के बाद। मतलब मोस्ट हार्ड वर्किंग लाइफ समझता हूँ भाई फार्मर्स लाइफ को मैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लगता है यार। तो देख सकते भाई साहब चल रहा है अपना स्प्रेयर, हाँ नहीं गिरा नहीं गिरा। तो ये देखिए बहुत दूर से लाना पड़ रहा है दवा को ना, तो थोड़ा सा तकलीफदायी हो रहा है। तो गाइस पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है यार देखो। तो चलो अब इस खेत में भी कंप्लीट हो गया पूरा, दो ठों में छीट डाला, अब तीसरे नंबर की बारी है भाई। चलो इधर को पकड़ो फिर इधर पकड़ो, ठीक है चलो अब मैं भी इधर से तो क्रॉस हो अरे फंस गया, पेंट फंस गया, हो हाय हो गया भाई साहब। अब यहाँ से निकले पापा, अब यहाँ से निकलते भाई साहब, बहुत हालत ख़राब है। तो भाई साहब अब वो वाले खेत से आ गए इस वाले खेत में जो है अब डालना है, ये जो देख पा रहे हैं पीछे इधर, और यहाँ देखो पीछे है तालाब और ये है अपने गांव का नंदी। तो अभी जो है तालाब से पानी जो है भर रहे हैं स्प्रेयर में ला के, ये जो है चार स्प्रेयर डाले, पांचवें नंबर का है नहीं पापा, पांचवा स्प्रेयर है भाई साहब ये यहाँ, हाँ उतर गया फाइनली। तो चलो शुरू करते हैं इस पर दवा डालना फिर। तो गाइस फाइनली हो गया कंप्लीट ये खेत में भी, तीसरे नंबर का खेत भी कंप्लीट कर दिया। चलो फिर काला झोला झोला, हाँ तो ये झोला, ये झोला को भी पकड़ ले रहा हूँ, इसमें क्या है इसमें करील वगैरह तोड़े हैं पापा जो है बांस का। चलो भाई चलो फिर मिलते हैं आगे। गाइस ये है अपना लास्ट स्पेयर डाल रहे हैं, लास्ट डिब्बा है, फिर इसके बाद ख़त्म। ये देखो भाई ये देखो गाइस पूरा ख़त्म हो गया दवा, और इसमें पानी डाल दो, पूरा डाल दो पूरा। तो चलो वो वाले खेत में जाना है आगे, देखो उधर ये लास्ट स्पेयर है, तो इसका चलो डाल के आते हैं भाई साहब, डाल लेते हैं इसको पूरा ख़त्म कर लेते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं। तो भाई साहब कंप्लीट हो गया, तो चलो भाई साहब अब यहाँ से निकलते हैं, बहुत ज़्यादा थकान लग गया यार, हालत ख़राब हो गया मेरा। तो भाई फाइनली इतना मेहनत करके पहुंच चुके घर, ये देखो पापा जो है दातुन लेके आया है नीम का, और वो देखो कुछ कुछ बातें कर रहे हैं भाई दोनों। चलो फिर अभी चल रहे हैं नहाने के लिए, यहाँ जो पास में तालाब है बड़ा सा उसमें, फिर आज खाना खाएंगे, बहुत तेज़ भूख लग गया है यार। भाई साहब नहा के तो आ गए और तेज़ भूख लगे, और देखो खाने में आज क्या मिले हैं, मम्मी जो है तगड़ा पकवान बना के रखी भाई साहब, पीतर पक्षी उपलक्ष पर ये देखो बड़ा मिला है, और ये बोबरा, और इधर टमाटो चटनी, और भाई साहब देखो सब्जी आलू और अंडे की सब्जी, मतलब पूछो मत, मेहनत करने के बाद मेहनत का फल यार, फुल दावत है आज तो। पापा तो अभी आए नहीं नहा के, मेरे को भूख लगा था, मैं जल्दी जल्दी नहा के आया और सीधा खाने बैठ गया, अब रहा नहीं जा रहा है भाई क्योंकि बहुत तेज भूख लगा है। मस्त भाई साहब फुल टेस्टी है खाना, अच्छा बढ़िया बढ़िया। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5, और यार पूरा थक गया था मैं आज, दिन भर काम किया, तो आके नहा वहा के आके खाना खा के मस्त टाइप से सोया था। तो फाइनली मम्मी पापा लोग से मिल के अब मैं जा रहा हूँ वापस जो है नानी लोग के पास, पापा पालगी, मम्मी तो गुस्सा हो गई भाई, फिर से जा रहे घर के कहती गया मगोर पालगी। तो मैं जा था अब फिर आऊँ, कब आऊँ फिर आएंगे, अरे नहीं नहीं मम्मी गुस्सा हो रही यार फिर से जा रहे ऐसा करके, इन क्या कर सकते भाई, काम करना भी ज़रूरी है, काम है तो नाम है ना। तो चलो फिर यहाँ से निकलते हैं, ख्याल रखना अपना, बाय बाय। देखो भाई साहब शांत होके बैठ गए मम्मी पापा दोनों सैड मूड में। चलो फिर निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आप लोग से आगे। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए अपने रूम में, कल रुका था मम्मी पापा लोग के पास, कल और आज मतलब
2 दिन 1 रात रहा वहाँ, और अभी तो रात के 8:30 बजे में खाना वाना खा रहा था, खाना वाना यहाँ खा लिया है। अब चलो वीडियो को एडिट कर लेते हैं, और गाइस आज के व्लॉग को यही एंड करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, कैसा लगा उसको ज़रूर बताना, क्योंकि अगर अच्छा लगा होगा तो इस प्रकार के वीडियोस आगे भी चैनल पे आते रहेंगे, और नहीं लगा होगा तो ऐसे वीडियोस नहीं बनाऊंगा। मिलते फिर एक और नए वीडियो साथ आप सभी को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो भाई साहब कम्प्लीट हो गया, आए